अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉकेट। आज आपके लिए इस गाड़ी का रिव्यू ले गए। ये बेसिकली सुजुकी आल्टो है 660 cc, और ये जैपनीज़ वर्जन है। पाकिस्तानी भी क्योंकि अब आ चुकी है तो काफ़ी अर्से की आई भी अभी नहीं आई, तो मैंने कहा आपको भाई आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर देंगे। भाई सुजुकी आल्टो पाकिस्तान में भी आ चुकी है तो काफ़ी अर्से की आई भी है भाई, तो लेकिन बिल्ड क्वालिटी आपको पता है भाई क्योंकि जैपनीज़ है तो काफ़ी ज़्यादा भाई डिफरेंट होगा इसकी बिल्ड क्वालिटी में और उसकी बिल्ड क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होने वाला है। तो सबसे पहले इसके कलर की बात करते हैं, तो अगर आपको नज़र आ रहा हूँ, मैं आपको जूम करके इसलिए दिखा रहा हूँ, इसके बेसिकली जो कलर है वो पल ब्राउन कलर इसमें आपको दिया गया है। यहाँ से आपको शायद नज़र आ जाए, सही पल ब्राउन कलर है जो कि यार बहुत ही अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले इसकी बैक लुक की तरफ चलते हैं, तो आपको इसकी मैं बैक से फुल लुक दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं सुजुकी आल्टो, तो इसका ट्रंक ओपन कर लेते हैं। स्पेस इतनी कुछ ज़्यादा नहीं होती इसमें, लेकिन भाई चलें, आप देख सकते हैं नीचे टूल किट वगैरह मौजूद है। स्पेयर व्हील नहीं आता इस गाड़ी में, मेरे ख्याल में स्पेयर व्हील तो होना चाहिए, खुदा नास्ता अगर टायर ब्रस्ट हो जाता तो बंदा फिर क्या करे। पाकिस्तानी में भी नहीं आता, तो ये दोनों के साथ मसला है भाई, जैपनीज़ के साथ और पाकिस्तानी आल्टो दोनों के साथ। और सीट की अगर हम बात करें तो फोल्ड करके आप लग स्पेस को बढ़ा सकते हैं अगर पीछे कोई बंदा नहीं बैठा हुआ। तो चलें इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पे आ जाएं, तो आपको आल्टो की बैजिंग मिलेगी और तलहा मोटर्स जिन्होंने हमें गाड़ी प्रोवाइड की रिव्यू के लिए। और इसकी जो लाइट्स हैं बेसिकली आप देख सकते हैं, ये कुछ इसकी लाइट्स और सिंपल हैलोजन बल्ब में मौजूद हैं, और ये इसकी आप कह सकते हैं बम्पर पे दी जाती हैं, जो कि हमारे यहाँ पे तो काफ़ी भाई बाइक वाले हज़ार जिनमें मैं भी शामिल हूँ तो पहले ठोकते आके गाड़ी पे बैक इस जगह पे ही हैं, तो मतलब टूटेगी तो पहले इसकी जो मेन चीज़ टूटने वाली है वो इसकी लाइट टूटने वाली है, तो बस इसको आपने बचा के चलाना है बैक से। और फ्रंट से तो भाई ठीक है, लेकिन गाड़ी क्योंकि एक लाइट वेट बनाने की कोशिश की है तो क्वालिटी जो है वो उस तरह की नहीं है सुजुकी आल्टो की, तो कंफर्ट लेवल वो सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई ये आपके इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सुजुकी आल्टो जो पाकिस्तानी है उसकी तो भाई आप समझ ही सकते हैं, इसकी फिर भी मुझे थोड़ी सी बेहतर लगती है उस गाड़ी से। बाकी नीचे आ जाए इसके टायर्स की तरफ, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। बेसिकली इसमें डनलप के टायर इंस्टॉल हैं। प्रोफाइल की बात करें इसके टायर की, तो 145 80 R13 13 इंच के इसमें स्टील व्हील इंस्टॉल है सिंपल। और प्राइवेसी ग्लास में इसकी विंडोज़ दी गई हैं। बैक डोर ओपन कर लेते हैं और 90 डिग्री पे ओपन होता है जो काफ़ी अच्छी बात है। आप डोर देख सकते हैं इसका, डोर ओपनर, पावर विंडो, नीचे आपको स्पीकर दिया गया है। और यह है इसकी सीट्स जो कि फेब्रिक में मौजूद है, और मुझे एक कंप्लेन दोनों गाड़ियों से रहती है पाकिस्तानी और जैपनीज़ से भी, हेडरेस्ट नहीं मौजूद भाई। अब जो बंदा पीछे बैठा हुआ है वो सर आप समझ ही सकते हो, आगे मुझे अब एक्सप्लेन करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। बाकी दो सीट बेल्ट दिए गए हैं और हेडरेस्ट तो ऑलमोस्ट होने चाहिए। मेरे हाल में जो टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है सुजुकी आल्टो का उसमें आते हैं, लेकिन नॉर्मल वर्जन में मेरे हाल में होने चाहिए। यार एक चीज़ मैं इस गाड़ी से बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता हूँ वो है इसकी स्पेस। इस गाड़ी में स्पेस बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो एक हैचबैक है और आप स्पेस देख सकते हो इसकी कितनी ज़्यादा इसमें स्पेस मौजूद है। हेड स्पेस भी अच्छी है और लेग स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और ऊपर आपको एयर पैस इंस्टॉल मिलेंगे सुजुकी आल्टो की, जैसे कि आप देख सकते हैं। फ्रंट डोर ओपन कर लेते हैं, तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी वाइड डोर है फ्रंट भी, डोर ओपनर, पावर विंडो, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बेस कॉम्बिनेशन दिया गया है। नीचे आपको स्पीकर, फाइल होल्डर, और भाई ये है कुछ इसकी डैशबोर्ड की लुक जो कि काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहा है। आपको बेज कह सकते हैं, वाइट कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा बेज टाइप इसकी लुक लग रही है, इसे मैं बेज ही कहूँगा इसे। बाकी इस गाड़ी में दो एयरबैग्स मौजूद हैं। फ्रंट सीट्स की बात की जाए तो आप फ्रंट सीट्स की देख सकते हैं, काफ़ी सॉफ्ट एंड कम्फर्टेबल सीट्स हैं। फैब्रिक की सीट्स दी गई हैं इस गाड़ी में। और लेग स्पेस तो भाई आप देख ही सकते हैं, लेग स्पेस तो मैं काफ़ी इंप्रेसिव हूँ। सुजुकी आल्टो जो पाकिस्तानी है उसमें भी इतनी सेम, मतलब गाड़ी ऑलमोस्ट सेम है, बस बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी ये कम कर देते हैं पाकिस्तानी की। बाकी आप देख सकते हैं इसके ORVM ये मैट ब्लैक फिनिश में दिए गए हैं, क्योंकि ये लो वेरिएंट है सुजुकी आल्टो का, लो ग्रेड है, तो आपको इसमें ब्लैक मिरर्स मिलेंगे। नीचे आ जाएँ, 13 इंच के स्टील व्हील हैं विद डनलप टायर्स, और ये कुछ इसकी फ्रंट लुक। जो पाकिस्तानी गाड़ी है ये ऑलमोस्ट दोनों सेम हैं, बस थोड़ा बहुत क्वालिटी का डिफरेंस है। जैपनीज़ गाड़ी है जो उसकी क्वालिटी थोड़ी सी बेटर है, इतनी ज़्यादा नहीं कहूँगा यार, क्योंकि मैंने पाकिस्तानी गाड़ी का भी रिव्यू किया तो मुझे इंप्रेस हुआ था, काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी अच्छी है उसकी भी। लोग कह रहे होते हैं भाई क्वालिटी नहीं अच्छी, लेकिन मैं इंप्रेस हुआ था पाकिस्तानी जो गाड़ी है उससे। क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ी बहुत बस डिफरेंस है, इतना ज़्यादा नहीं है। बाकी इसकी हेडलाइट की तरफ आएँ तो आप देख सकते हैं क्रिस्टल क्लियर हेडलाइट है, और क्रोम की फिनिश दी गई है इसकी हेडलाइट के अंदर। सिंपल हैलोजन बल्ब का यूज़ किया गया। मेरे ख्याल में जो पाकिस्तानी और जो जैपनीज़ दोनों जो हैं इनमें
ऑलमोस्ट यार एक प्रोजेक्टर अगर दे देते तो काफ़ी अच्छी हो जाती, क्योंकि अभी इसकी जो प्राइस है इस गाड़ी की भी, जैपनीज़ की भी, इसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है। आपको अगर मैं इस गाड़ी से अगर बात करूँ, फीचर से अगर मैं कंपेयर करूँ, तो गाड़ी की प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है। जो पाकिस्तानी है उसकी तो भाई दिन ब दिन लाखों में बढ़ती जा रही है, समझ नहीं आ रही उसका क्या सीन है। बाकी सेंटर में आ जाएं तो आपको सुजुकी का लोगो मिलेगा, छोटी सी आपको ग्रिल दी गई है, रेडिएटर ग्रिल नीचे आप देख सकते हैं। इसकी इस तरफ से भी आपको इसकी कुछ लुक दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं इस तरफ से सुजुकी आल्टो की कुछ लुक। बाकी वर्ड्स अब इसका मोड बंद करते हैं और आपको इसका इंजन दिखा देते हैं। और यह है इसका 660 cc पेट्रोल इंजन। अगर अब इस इंजन की हॉर्स पावर की बात करें तो ये जो इंजन है 39 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। उसके साथ साथ टॉर्क की बात की जाए तो 56 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है, जो कि यार नॉर्मल से नंबर्स है, इतने में कोई हाइपर नहीं कहूँगा, लेकिन इसके इंजन में अच्छी पावर मौजूद है। क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो काफ़ी लाइट है, तो उस अगर हम उससे कंपेयर करें तो यार ठीक है, उस हिसाब से इंजन अच्छा इंजन है, आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हो। बेसिकली ये गाड़ियाँ बनाई जाती हैं, आप इसको अपने शहर में यूज़ करने के लिए, डेली कम्यूट के लिए आप इन गाड़ियों को यूज़ करो, ना कि भाई गाँव देहातों के लिए बनेगा, भाई आप उसको वहाँ पर ले जाओ। लेकिन कुछ नहीं होता यार, इतना लेके जा सकते हो ईज़िली, इतनी पावर होती है कि भाई आपकी ये चली जाए वहाँ पे भी। बाकी आप इंजन एरिया इसका देख सकते हैं, और बाकी वर्ड जब इसके इंटीरियर में चलते हैं और वहाँ जाके आपको इसकी बाकी इन्फॉर्मेशन देते हैं। वे जब इस गाड़ी के इंटीरियर में आ चुके हैं, सबसे पहले स्टेयरिंग व्हील की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं सिंपल सा स्टेयरिंग व्हील है, सुजुकी का लोगो विद SRS एयरबैग। इस गाड़ी में दो एयरबैग दिए गए हैं, एक डैशबोर्ड पे और एक स्टेयरिंग व्हील पे। और यह कुछ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि आप मुलाइजा फरमा सकते हैं, 140 पर लिमिटेड है। छोटी स्क्रीन दी गई है, अभी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो आपको दिखा भी देंगे। हेडलाइट के रिलेटेड कंट्रोल, इस तरफ वाइपर के रिलेटेड सारी कंट्रोल्स मिल जाएंगे। और डैशबोर्ड की बात करें तो क्वालिटी यार पाकिस्तानी से, क्योंकि मैं इसको कंपेयर करूँगा तो ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं सेम है, क्योंकि पाकिस्तानी जो आल्टो आई है उसकी भी क्वालिटी अच्छी है इस बार, पता नहीं कैसे दे दिया, लेकिन क्वालिटी उसकी भी अच्छी है। बाकी AC वेंट्स आप देख सकते हैं, और नीचे अगर हम आ जाएँ तो आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट की ब्राइटनेस मिल जाएगी, ट्रैक्शन कंट्रोल, और ऐसे जो फीचर्स हैं ना, मतलब फीचर्स वाइज जो पाकिस्तानी गाड़ी है उसमें कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारी गाड़ी पाकिस्तानी जो है उसमें सिर्फ आता है भाई स्टेयरिंग व्हील, इंजन और ब्रेक्स, बस बाकी गाड़ी में कुछ भी नहीं होता। मुझे नहीं समझ आती ये क्या सीन है, गाड़ी में कुछ भी नहीं देते हमारी पाकिस्तानी गाड़ी में। तो ट्रैक्शन कंट्रोल, रडार सिस्टम, ये तो भाई नाम ही नहीं है ना, इसका तो नामो निशान ही नहीं है, ऐसे फीचर्स तो देने ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानियों को आदत नहीं है ऐसे फीचर्स की, तो ये फीचर्स तो होने वाले नहीं है कभी। और यहाँ पर अगर डोर की तरफ आ जाएँ तो लॉक अनलॉक का फंक्शन है, चारों पावर विंडोज़ मिल जाएंगी आपको, और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में है ये। इधर आपको AC के रिलेटेड कंट्रोल मिल जाएंगे, बेसिकली एनालॉग AC है इसमें। और AC की थ्रो की बात करूँ तो इतने कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक अच्छी है AC है इसका, जो पाकिस्तानी गाड़ी है उसका भी AC अच्छा है। बाकी हेजल लाइट का बटन मिल जाएगा, और ये आपको इसका एंड्राइड यूनिट, ये आपको चला के भी दिखाते हैं सारी चीज़ें। और ये जो आपको बेचो कॉम्बिनेशन दिया गया काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहा है। बाकी ऊपर आ जाए तो बैक व्यू मिरर, इसकी भी क्वालिटी मुझे कुछ नाजुक सी लगती है, टूटने वाला मुझे डर लगता है। बाकी ऊपर आप लाइट वगैरह देख सकते हैं, सनशेड ओपन करें तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ, क्वालिटी इनकी भी नॉर्मल सी है। इधर आ जाएं तो ये ग्रैप हैंडल्स आप देख सकते हैं, सीट्स काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल सीट्स हैं। इस गाड़ी की मुझे एक से दो चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी हैं, आप ग्लब बॉक्स भी देख सकते हैं, इस गाड़ी की मुझे एक से दो चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी हैं। एक तो इस गाड़ी का कम्फर्ट लेवल काफ़ी अच्छा है, और दूसरी लेग स्पेस इस गाड़ी में बहुत अच्छी लगी है मुझे, लेग स्पेस जो है वो गाड़ी में काफ़ी अच्छी है, स्मूथ ड्राइव है। और अगर आप इस गाड़ी को बाय करना चाहते हो तो यार मैं आपको बता देता हूँ, जिस बंदे का माइंड है उसने एक छोटी गाड़ी लेनी है, वो चाहता है कि मुझे कंफर्ट मिले, मुझे मतलब मैं सुकून से ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, और मुझे एवरेज मिले, तो आप ये गाड़ी बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आप अच्छे ड्राइवर हो तो अगर ये गाड़ी खुदा ना आस्ता कहीं से लग गई तो आपके खर्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुलने वाले हैं, क्योंकि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है इतनी अच्छी नहीं है। अगर टूटा भाई कुछ भी तो प्राइस पार्ट्स की थोड़ी सी अभी एक्सपेंसिव पार्ट्स हैं। और नीचे आ जाएँ तो आप देख सकते हैं सारे यहाँ पे खाने खाली हैं, क्योंकि लो ग्रेड है तो आपको इसमें फंक्शंस वगैरह इतने नहीं मिलेंगे। कप होल्डर दिए गए हैं, सिंपल हैंड ब्रेक मौजूद है, और आर्मरेस्ट में हाल में देनी चाहिए थी, और पीछे कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। और इसके जो चारों डोर हैं उसमें आपको स्पीकर मिल जाएंगे, जो पाकिस्तानी है उसमें फ्रंट पे स्पीकर्स दिए होते हैं, पीछे होती है जगह होती है लेकिन स्पीकर नहीं होते। तो ये कुछ चीज़ें हैं भाई, और बाकी गाड़ी मुझे अच्छी लगी है, पाकिस्तानी भी सुजुकी आल्टो में, आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने उसका रिव्यू किया है, मुझे अच्छी लगी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई अच्छी गाड़ी है वो भी। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं आपको कहूँगा कि भाई अगर आप
जैपनीज गाड़ियों को पसंद करते हो तो आप जैपनीज बाइक कर लो, लेकिन अगर आप चाहते हो मुझे वारंटी और सारी चीज़ें मिलें तो पाकिस्तानी गाड़ी, ब्रांड न्यू गाड़ी आपको मिल रही है तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हो। बिल्ड क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है, इतने कोई डिफरेंस नहीं है। प्राइस दोनों की भाई ज़्यादा है, इसकी मुझे प्राइस ज़्यादा लगती है और उसकी भी। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई इसकी प्राइस ज़्यादा है तो उसकी नहीं है, दोनों एक ही लेवल पर चल रही हैं। दोनों की प्राइस भाई इनकी जो मतलब होनी चाहिए ना प्राइस, रियल प्राइस, उससे बहुत ज़्यादा ऊपर है। चलें अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। और ये कुछ इसकी सिंपल सी की, जैसे कि आप देख सकते हैं लॉक अनलॉक का फंक्शन है, पुश स्टार्ट वगैरह इसमें मौजूद नहीं है, जैसे कि आपको पहले बता चुका हूँ भाई, क्योंकि लो ग्रेड है तो पुश स्टार्ट वाले ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे। चलें अब गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पर भाई की डाल देते हैं। ये आप देख सकते हो भाई 140 पे लिमिटेड है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहा है, खासकर जो ये आपको ऑरेंज शेड दिया गया, काफ़ी अच्छी लुक अच्छी प्रोवाइड करता है ये भी। और मीटर ऑलमोस्ट सेम है, बाकी सारे फीचर ऑलमोस्ट सेम है, बस ये है कि ये जापानीज़ है और वो पाकिस्तानी है। गाड़ी आपको बताया था कितनी चली भी है, 23,810 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है, 2019 मॉडल है ये गाड़ी। और मेन्यू की तरफ आएँ तो आप मेन्यू वगैरह इसमें देख सकते हो, सारी चीज़ें सारा कुछ ये जापानीज़ में ही होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता बंदा यूज़ टू हो जाता है, लेकिन शुरू में इसकी ज़्यादा बात समझ नहीं आती। बाकी आप देख सकते हो सारी इंडिकेशन वगैरह है यहाँ पे, और गाड़ी ऑलमोस्ट अच्छी है यार। तलहा मोटर G8 में फॉर सेल अवेलेबल है, अगर आप बाय करना चाहते हो तो आप इजीली इस गाड़ी को बाय कर सकते हो। अगर प्राइस की बात करें तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, आप कॉल करके इजीली इसकी प्राइस कन्फर्म कर सकते हो। और बाकी व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, 2 सेकंड लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हमें मोटिवेशन मिलती है, हम कोशिश करते हैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सके और इंशाल्लाह रेगुलर होंगे, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे। और इंशाल्लाह मैं आप सोच रहा हूँ कि इस चैनल को हम व्लॉगिंग पे कन्वर्ट करें, आपके लिए हम व्लॉग्स लेके आएँ, डेली रूटीन में व्लॉग्स। और एक गाड़ी मैंने ली है इंशाल्लाह, तो उसको भी इंशाल्लाह मॉडिफाई वगैरह करवाएंगे, तो अगर आप मॉडिफिकेशन के रिलेटेड रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मैं जल्दी वो उसको मॉडिफाई करवाने का मैं सोच रहा हूँ। आपको अपनी गाड़ी भी दिखाऊँगा और कौन सी मैंने ली है, छोटी सी गाड़ी ली है ओल्ड मॉडल, तो बेसिकली मुझे ओल्ड मॉडल गाड़ी थोड़ी सी पसंद है। एक पुरानी गाड़ी बाइक ही है तो मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा भी वो गाड़ी, आपने शायद देखी भी, मैंने पहले रिव्यू किया था लेकिन वो रिव्यू मुझे पसंद नहीं आया, तो मैंने कहा दोबारा से रिव्यू करेंगे, तो इंशाल्लाह वो गाड़ी आपके लिए जल्दी ही लेके आएंगे उसका रिव्यू आपके लिए, और उसके साथ साथ उसकी मॉडिफिकेशन भी हमने करवानी है, तो वो सारे आपके लिए आप व्लॉग्स आएंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में। तो आपने भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि जैसे ही मैं वो वीडियोस अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा भाई वो वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। चलें आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।